स्विच ऑफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सीरियस डिबेट होने जा रहा है और ये डिबेट ही नहीं है, ये इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। लड़ाई जो है काफ़ी लंबी है, इसलिए जो है आप लोग थोड़ा सा जो भी प्रश्न होगा आपका, हमारे स्पीकर्स हैं और दे विल बेसिकली एड्रेस योर क्वेश्चंस क्वेरीज। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा आपको पता है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसको विश्वविद्यालय नहीं रहने दिया गया, और आज जब आप आए होंगे क्लास के लिए, या जो हमारे स्पीकर्स आए हैं या जो गेस्ट और भी जो गेस्ट बाहर से आए हैं, उन्होंने वो रियलाइज किया होगा कि ये विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नहीं है। और रतनलाल सर अभी बता रहे थे कि ये विश्वविद्यालय नहीं दिखता है, ये तो छावनी, पुलिस छावनी दिख रही है। और जिस तरीके से रोक टोक हो रहा है, आइडेंटिटी कार्ड मांगे जा रहे हैं गेस्ट से, और वो उस परंपरा के व्यक्ति हैं जिनका कहना है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव और अतिथि देवो भव, वो उस परंपरा के लोग हैं जिन्होंने इस तरीके का ऑब्जेक्शन उठाया है। खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के तरफ से हमने ये जो करप्ट फ्यूडल एजुकेशन माफिया गुंडा वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल है, उसके खिलाफ जो है हमने लेक्चर सीरीज शुरू किया है। इनॉगरल लेक्चर में प्रोफेसर डेजी नारायण, एमिनेंट जर्नलिस्ट अनिल चमरिया और दिग्विजय जी जो यहीं से हैं, और उन्होंने अपनी बात रखी थी, अपनी सॉलिडरिटी रखी थी। अगर हम ज्यादा दूसरे लफ्ज का इस्तेमाल करें तो उन्होंने अपना सॉलिडरिटी व्यक्त किया था यहाँ पे आकर, और एजुकेशन को जो है कैसे मजबूत करने की जरूरत है, डेमोक्रेसी को कैसे जो है मजबूत करने की जरूरत है। जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमें बोलते हैं कि वैशाली गणतंत्र हमने दिया, बिहार के लोग जो है उस पर बहुत प्राइड लेते हैं, लेकिन उसको तहस नहस करने का जो इरादा ये गुंडा वाइस चांसलर का है, प्रोफेसर अरविंद अग्रवाल का है, वो आपके सामने दिख ही रहा है कि किस तरीके से इसको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में तब्दील करने की कोशिश किया गया है विश्वविद्यालय को। माफ कीजिएगा मैं बहुत हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा सा हमारे गेस्ट जो आए हैं उनको मैं बताऊं कि विश्वविद्यालय कैसे कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना है, और प्रिजन भी नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रिजन में जो है जेलमेट्स को वो अधिकार होते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई अधिकार ही नहीं, और तमाम तरीके का जो एक्सप्लाइटेशन होता है, हमारी बच्चियों को सेडेटिव दे के उनका सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन होता है। तो आप समझ सकते हैं हमारे फैकल्टी के विषय में जो है स्लैंडर किया जाता है कि वो हम बिस्तर होती है, और तमाम तरीके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है, जो एजुकेशन मिलना चाहिए बच्चों को। और उससे पहले मैं बताऊं कि एजुकेशन का मतलब केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं होता है, एजुकेशन जो है आप खेतों और खलिहानों में भी जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप जो है बातचीत के जरिए से भी जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, आप मीटिंग में जो है जो एमिनेंट स्पीकर्स जो है उनको सुनकर, एक सामान्य व्यक्ति जो अनुभव रखते हैं उनको सुनकर जो है आप शिक्षा प्राप्त करते हो। तो केवल क्लासरूम जो है या क्लास टेक्स्ट जो है केवल शिक्षा का आधार नहीं है। खैर तो ये इस विश्वविद्यालय की शुरुआत जो है चंपारण वासियों के संघर्ष का नतीजा है, हम सैल्यूट करते हैं चंपारण वासियों के संघर्ष को और तमाम तरह की पसंद लोगों का कि आपको विश्वविद्यालय मिला। 3 अक्टूबर 2016 को जो है हम लोग यहाँ पे रिक्रूट किए गए, फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट का जो सेट था उसमें लगभग जो है 50 फैकल्टी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होते हैं। इससे पहले 3 फरवरी 2016 को वाइस चांसलर प्रोफेसर अरविंद अग्रवाल, जो पीएचडी जिनकी डिग्री जो है फर्जी है, ग्रेजुएशन का मार्क्स फर्जी है, और उतना ही नहीं तो एजुकेशन माफिया है, और इसलिए मैं एजुकेशन माफिया बोल रहा हूँ क्योंकि तमाम तरीके का जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें अपना उन्होंने चलाया है और रिजर्वेशन का जो है खुला खुला उल्लंघन किया है, केवल और महिलाओं का जो है उस तरीके से उन्होंने इंटिमिडेट किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस दिन में हमारे फैकल्टी आ रहे हैं इस विश्वविद्यालय में एक सपना लेकर कि इसको भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, उस दिन उनको कंपेयर किया जा रहा है कि आप जो है रिजाइन रेजिग्नेशन लेटर जो है लिख दो, और
बिना डेट का, ताकि उसका बाद में जो है उन्होंने इस्तेमाल कर सके। और उन्होंने स्वीकारा भी है कि हाँ हमने ऐसा किया है, माननीय जो राज्यसभा के जो एमपी हैं और भी जो लोकसभा के जो एमपी हैं उनके सामने इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने ऐसे किया है। उतना ही नहीं, ये ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं और अपने आप को जेएनयू से भी जो है नाता जोड़ते हैं। जेएनयू का ये परंपरा नहीं रहा है, जेएनयू का परंपरा जो है एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का परंपरा रहा है, जेएनयू का परंपरा रहा है डिबेट डिस्कशन का परंपरा रहा है, जेएनयू का परंपरा रहा है कि जो सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन जो रहेंगे, जो हाशिए के हाशिए पे होंगे, उनकी भी जो है आवाज वो लोग बुलंद करते हैं। जेएनयू जो है एजुकेशन माफिया के लिए नहीं जाना जाता है, एजुकेशन जो है जाना जाता है डेमोक्रेसी के लिए। क्या तो 3 फरवरी को इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहे हैं, 3 अक्टूबर को हम लोग आ रहे हैं, 18 अक्टूबर को जो है हमारा एकेडमिक सेशन शुरू होता है। सर हमने जी तोड़ मेहनत करके जो है बच्चों को ये एश्योरेंस दिया क्वालिटी एजुकेशन के साथ, और इनका एकेडमिक सेशन जो है समय पे लाया, और ये जो है पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, हार्ड वर्किंग फैकल्टी मेंबर्स का है। लेकिन प्राइड क्या लिया जाता था वाइस चांसलर महोदय के द्वारा कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में हर बार कर्मवार होता है, जो श्रम कानून का जो है खुला खुला उल्लंघन है। आप किसी भी समय जो है किसी खास पार्टी के लोगों को बुलाकर जो है आप रात में 12 बजे मीटिंग कर रहे होते हैं, ये विश्वविद्यालय है, ये राजनीतिक पार्टियों का अखाड़ा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां का अपना मनसा होती है, डिबेट डिस्कशन होंगे, लेकिन आपने एक खास पार्टी को जो है यहाँ पे अखाड़ा बनाने के लिए वो स्पेस दिया। एकेडमिक सेशन के शुरू होने में ही हमारे कुछ फैकल्टी ज्वाइन किए, एक फैकल्टी जो कंप्यूटर साइंस है उनको नोटिस दिया गया कि आप जो है जींस पहन के नहीं आइएगा, जींस पहन के जो है आप विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते हैं, पहला अल्टीमेटम। दूसरा, उनको यह बोला गया कि आज जो है रेजिग्नेशन लेटर, और केवल एक फैकल्टी से रेजिग्नेशन लेटर नहीं ले लिया गया, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर से जो है कितने से जो है ये ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले उनको रेजिग्नेशन लेटर जो है हैंड ओवर करना पड़ा। उसके बाद जो है ये हमेशा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट सर यहाँ पे बैठे हैं, इसलिए मैं उनका कॉग्निजेंस चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो है अवमानना शुरू से ही हो रहा है। जब फैकल्टी मेंबर्स वहां पे बैठे होते हैं उनके सामने बोला जाता है, और हमारे पास पूरा बकायदा जो है हमारे पास प्रूफ है, और उस प्रूफ में इन्होंने बोला है कि अगर आपको मैं टर्मिनेट कर दूं, फैकल्टीज को बोले हैं कि आपको अगर टर्मिनेट कर दूं तो कोई सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं बचा सकता है। उतना ही नहीं, ये कितना एंटी बिहारी इनका सेंटिमेंट है, ये हमेशा रेफरेंस में जो है रूबी राय, हमारे बच्चों को ह्यूमिलिएट किया इन्होंने, हमारे फैकल्टी मेंबर जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं उनको ह्यूमिलिएट करते थे और बोलते थे आप तो रूबी राय की जो है ट्रेडिशन से आते हैं। शायद इनको ये नहीं पता है कि हम उस ट्रेडिशन से आते हैं जहाँ पे आर्यभट्ट ने जो है दशमलव दिया, हम उस ट्रेडिशन से आते हैं जहाँ पे वैशाली पहला विश्व का पहला गणतंत्र हमने दिया, हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ पे वायलेंस को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, नॉन वायलेंस का जो को सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्धा को हमने जो है, बुद्धा की यह धरती है लेकिन महात्मा गांधी की यह धरती है, लेकिन ये जो गुंडा वाइस चांसलर है इन्होंने हिंसा का हमेशा सहारा लिया, और वो मानसिक हिंसा हो शारीरिक हिंसा हो, मैं बोल रहा हूँ मानसिक हिंसा हो या शारीरिक हिंसा हो, और मानसिक हिंसा किस तरीके से हमारे फीमेल फैकल्टी के अगेंस्ट जो है स्लैंडर करते थे, हमारे बच्चों को जो है फ्रिस्किंग करना होता था एज इफ लाइक दे आर टेररिस्ट, और कुछ जो है एग्जाम में कुछ ऐसा ही करेंगे, और उनको जो है फ्रिस्क करके जो है उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। उतना नहीं, ये पवर्ट माइंड का है सर, मैं बोल रहा हूँ पवर्ट माइंड के हैं वाइस चांसलर, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बताया कि कैसे सेडेटिव देके हमारे स्टूडेंट को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उतना ही नहीं, ये जो एग्जामिनेशन जब हमारा होता है तो उसमें वॉशरूम अवेल करने का एक फॉर्म जो है फिलअप करवाते हैं हमारे बच्चों से, और उस समय अगर मेल फैकल्टी अगर इनविजिलेटर होता है, बहुत ऑकवर्ड होता है हमारी बच्चियों के लिए वहां पे साइन करना कि कितने समय में आप टॉयलेट के लिए जो है गए हैं और कितने समय के बाद आप टॉयलेट से वापस आ रहे हैं, तो ये कोई पवर्ट ही ये कर सकता है। उतना ही नहीं, एग्जामिनेशन के समय में
थोड़ा प्रिकॉशन के मेजर, वो प्रिकॉशन नहीं रिप्रेशन का मेजर्स कहिए उसको, जाना अच्छा होगा उसको, ये करते हुए उन्होंने बताया कि हमने जानते हैं हम तो बहुत प्रूफ के साथ चलते हैं, और हमने एक महिला को चोर चीटिंग करते हुए पकड़ा तो उसका जो है पेटीकोट काट के जो है उसको ये लगाया। आप समझ सकते हैं कि लाइक दिस ओनली अ साइकोपैथ, ओनली अ पावर्ड कैन डू दैट। उसके बाद हमारे दो ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स को बिना कोई कारण बताए उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट करने के बाद हम धरना प्रदर्शन पे बैठते हैं, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के दबाव में जो है उनको वापस लिया जाता है, लेकिन न वापस लेने का कारण इन्होंने बताया और न जो है उनको टर्मिनेट करने का जो है कारण बताया। और जब ईसी को हम लोग अप्रोच करते हैं ईसी को, और उनको हम लोग को बताया गया था कि ईसी का ये डिसीजन है, जब हमने ईसी को एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स को एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स को जब हमने अप्रोच किया तो उन्होंने बोला नहीं हमारा ये डिसीजन नहीं है, एंड ओनली अ कंपल्सिव लायर कैन डू दैट। एंड व्हाई आई एम सेइंग ही इज अ कंपल्सिव लायर, उसमें हिटलर का जो है बू आता है, हिटलर शाही का बू आता है। हिटलर वॉज ऑल्सो अ कंपल्सिव लायर, दिस this vice chancellor Arvind Agrawal, he is also a compulsive liar, and like throughout he has been fascist, throughout he has been anti education, throughout he has been anti women, and of course anti Bihar. So what I'm saying sir, iske baad jo hai fir ek हमारे फैकल्टी को अंडर ड्यूरेस जो है रेजिग्नेशन लिया गया, और उनका एक पेट है कि हम सेक्सुअल हैरेसमेंट आप पे लगा देंगे, और वो जो है वो ऑडियो बकायदा कशिश न्यूज ने जो है उसको रिकॉर्ड किया, इनको एक्सपोज किया। बाद में इन्होंने बोला कि नहीं उसमें हमारा वॉइस नहीं है, हमारा डिमांड था फॉरेंसिक जांच कराइए, क्योंकि इनका आवाज तो इनकी थी, लेकिन इन्होंने फॉरेंसिक जांच कराने से जो है कोताही बरती, अभी तक जो है वो मामला बना हुआ है। और उसमें इन्होंने थ्रेट दिया था, एक स्टूडेंट को इंस्टिगेट कर रहे थे कि आप एक पर्टिकुलर फैकल्टी के अगेंस्ट जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट लगाइए। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज सच ए सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट के ट्रेडिशन, जो जो फ्यूडल पेट्रियार्कल फोर्सेस जो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ने की हमारी जो है एक परंपरा रही है, और वो बहुत संघर्षों के बाद हमको GSKS की कमिटी मिली है, या जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी मिला है, लेकिन उसका ये माहौल बना के रखे है। उतना ही नहीं, SC ST ये का एक्ट में इन्होंने जो है बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करवाया है, और इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि यहां पे रिजर्वेशन का खुला खुला उल्लंघन हुआ है, चाहे वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो, फैकल्टी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो, या जो है हमारे बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस हो। खैर उसके बाद जो है फाइनली जो है JNU से इनकी जो चीर जो है, पता नहीं ये जेन्युइट किस तरीके का जेन्युइट है, ये JNU वाले तो ऐसा नहीं होते हैं, वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ डिस्कशन, बिकॉज वी बिलीव लाइक लेट्स एग्री टू डिसएग्री। हम उस परंपरा को ये करते हैं कि आप आइए और हमसे असहमति भी जो है व्यक्त करने के लिए जो है आप सहमत तो होइए, लेकिन वो कभी भी इनका तो कभी डिबेट डिस्कशन से कोई नाता नहीं रहा है, तो ये हमेशा जो है फासिस्टिक एटीट्यूड से रखे है। 29 मई से जो है हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, और हम क्लास ले रहे हैं, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स विटनेस हैं। वी हैव नॉट बेसिकली बैकवर्डेड अ सिंगल क्लास, हमने पूरे क्लास बकायदा इनका लिया है, हमने इनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, हमने इनका जो है परीक्षा फल दिया, लेकिन परीक्षा फल देने के बाद आप तक अभी तक जो है मार्कशीट मिला है किसी को? मार्कशीट नहीं मिला है, तो एक किस तरीके का व्यवस्था है इनका। और उसके बाद जो है ये NFS जो इनका एक फैशन रहा है आजकल, जो फासिस्टिक जो फोर्सेस है उनका फैशन रहा है रिक्रूटमेंट में, NFS नॉट फाउंड सुटेबल, जो रिटन एग्जामिनेशन में टॉप कर रहे हैं वो NFS का विक्टिम बनाए जा रहे हैं, वो जो है वो विक्टिमाइज उनको किया जा रहा है, वो थ्रू आउट जो है थ्रू आउट फर्स्ट क्लास उनका रहा है, लेकिन ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि नहीं वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये किस तरीके का परफॉर्मेंस, वो झूठा झूठा मक्कारी का जो परफॉर्मेंस है जो अभी अरविंद अग्रवाल दे रहे हैं वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, या कौन से परफॉर्मेंस की बात करते हैं? तो ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा का, और मनु का कानून जो है यहाँ पे चलाना चाहते हैं, और मनु के कानून का सबसे बड़ा जो शिकार जो है दलित तो है ही, शोषित तो है ही, महिलाएं भी हैं, चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी जाति का महिला हो, वो हमेशा जो है इसका शिकार रही है। तो उसी दंड विधान के तहत जो है डिफरेंशियल पनिशमेंट और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, और उसका हवाला मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
29 मई को जो है हमारे एक फैकल्टी बुद्धि प्रकाश जैन, वो भी जो है राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, उनको जो है एक मेमो दिया गया। और मेमो इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सब जो है अपना ये पे जाना चाहता है, अपने अपने जमीन पे जो है पढ़ाना चाहते हैं। ये भी आपका सबका ये जमीन है, ऐसा नहीं है कि बिहार की जमीन केवल बिहारियों के लिए है, सारे लोगों के लिए है, क्योंकि इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और उनको जो है एक मेमो दिया गया और ये बोला गया कि आपने जो है किस आपने कैसे जरूरत की वहां पे अप्लाई करने का। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द रूल, वी आर अलाउड टू अप्लाई इवन इन द प्रोवेशन पीरियड फॉर 3 times। लेकिन वहां पे जो है एक थ्रेट दिया गया और उसके बाद वो डिप्रेशन में इतना रहे, उनको बहुत हैरेस किया गया, वो हमेशा जो है 7-8 दिन तक जो है अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट रहे हैं। उसी ऐसे 29 मई से सर हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से। और हमारा ये टैग था ऑन ड्यूटी विदाउट फूड, ऑन ड्यूटी विदाउट फूड। हम लोग जो है, हालांकि बहुत सारे लोग जो है हम उसे विदाउट फूड वाले लॉजिक में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये कलेक्टिव डिसीजन था, कलेक्टिव का सम्मान हमेशा किया जाना चाहिए और किया जाता है कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में। तो हमने जो है वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। 29 मई के बाद लगातार हमारे फैकल्टी को धमकी मिलता है सर, थ्रेट्स मिलते हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। हमने ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ये पे जो है उनको इन्फॉर्म किया, हमने जो है प्राइम मिनिस्टर का जो पोर्टल है वहाँ पे हमने डाला, हमने जो भी पुलिस प्रशासन है सबको इत्तिला दी कि ये जो है ऐसा यहाँ पे हरकत हो रही है। उसके बाद पुलिस के प्रेजेंस में जो है रात को 1 बजे जब हमारे महिला फैकल्टी और हमारे बच्चियां लोग बैठे हुए थे, उनको पुलिस का डंडा छीनकर पुलिस के प्रेजेंस में जो है बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। उसके बाद जो है यही जो प्रोफेसर संजय कुमार पे जो हमला किए है वही सेट ऑफ जो गुंडा जो है इनका, अरे वाइस चांसलर के गुंडे हैं महोदय, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव द कॉल रिकॉर्ड्स, वी हैव द फोटोग्राफ्स, वी हैव ऑल द प्रूफ कि ये वाइस चांसलर का गुंडा है। ये बाहर से नहीं, कोई बाहरी तत्व नहीं है, ये जो है एक संगठित तत्व है, संगठित लोग हैं जिन्होंने जो है वाइस चांसलर के गुर्गे हैं, और उन्होंने ये हमको धमकी दिया था हमारे फैकल्टीज को कि आपको काट काट कर जो है बोटी बोटी काट कर फेंक देंगे। उसके बाद हम जो है पुलिस प्रशासन को इत्तिला दी, आप जान रहे हैं पुलिस प्रशासन का जो यहाँ पे एक दम्भ भरा जा रहा है कि सुशासन की व्यवस्था है, किस तरीके का सुशासन की व्यवस्था हम जानते हैं। पर्सनली मैंने जो है पड़ोसी होने के नाते नीतीश जी से 2-3 बार बात की है, उन्होंने बोला कि हाँ मृत्युंजय ठीक हो जाएगा सब, मुझे वक्त दीजिए, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उनके ऑफिस से भी हम लगातार टच में है, उनके जो पीए जो है मकसूद आलम जी उनसे भी टच में है। तो इसके बावजूद भी फिर हमने जो है यहाँ का जो पुलिस प्रशासन जो डीजीपी है उनको लिखा, फिर फाइनली जो है ह्यूमन राइट्स की टीम आई, 700 लोग उस ये घटना से आप लोग अवगत है, मैं संजय कुमार पे अटैक जो हुआ है उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग ये जो है मीडिया के माध्यम से, जो प्रोग्रेसिव मीडिया जो है उसके माध्यम से आप अवगत हैं, हमसे आपका इंट्रोडक्शन है, हमारे फैकल्टी से इंट्रोडक्शन, हमारे स्टूडेंट से आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप जानते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद भी ये नहीं माने और 3 बच्चियों पे जो है हमला करवाया जाता है सर, उनका जो है कपड़ा फाड़ दिया जाता है, उनके मुंह पे जो है सिगरेट का धुआं फेंका जाता है। उतना ही नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि उसके बाद 14 सितंबर को जब हम लोग हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमोद मीना सर जा रहे थे, ये बच्चे इनको घेरने की कोशिश हुई थी, मैं अंदर आ गया था, बीच में एक शक्ति बाबू हिंदी का स्टूडेंट है उस पे अटैक किया गया और बहुत बुरी तरीके से मारा है, पीएमसीएच में उनका इलाज हुआ है, अभी जो है वो ये रेस्ट में है, डॉक्टर ने उनको जो है मेडिकल रेस्ट के में बोला है। जहाँ तक संजय के जो सिचुएशन की जो बात है, मैं आपको ये बता दूँ, संजय का 27 सितंबर को जो है साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर प्रताप शरण है उनके ऑब्जर्वेशन में है संजय जी,
और हम लोग अभी तो केवल ये कर सकते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन जैसा डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इनको जो है जिस तरीके से मारा गया है वो पढ़ाने में आगे शायद सक्षम न हो। तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो है एक शिक्षक, संजय जो है एक शिक्षक ही केवल नहीं है, संजय एक विचारधारा को भी रिप्रेजेंट करता था। संजय जो है वंचितों का आवाज था, संजय जो है महिलाओं का अधिकार की बात करता था, संजय जो है यहाँ पे जो बच्चों से जो बहुत जो फी लिया जाता है उनके ये पे, ये जो कॉर्पोरेट दुकान जो विश्वविद्यालय को बना दिया है, तो उस कॉर्पोरेट दुकान जो है वो परचून की दुकान पे जैसे आप जाते हैं कि पैसा रहेगा तो देंगे आपको सामान, नहीं तो नहीं देंगे, तो यहाँ पे भी इसी तरीके का ये विश्वविद्यालय बना दिया गया है। और वाइस चांसलर महोदय ने बहुत बुरी तरीके से हमारे बच्चों को धमकाया जब उन्होंने बोला कि आप जो है इतना फी, अगर हाई आपका फी जो है 18,000 जो है 18,000 एक साल का, 18,000 और कुछ कुछ कोर्सेज का जो है एक सेमेस्टर का जो है 18,000 है। आप समझ सकते हैं कि बिहार जैसा जो पिछड़ा प्रदेश है, जो गरीब प्रदेश है, वहाँ के बच्चे जो है कैसे पढ़ेंगे और एक खास सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप जो है ये बोल रहे हैं कि कुछ चुनिंदे लोग आए, कुछ जो इनके नुमाइंदे जो है वो आए, रूलिंग क्लास के बच्चे आए और वो केवल शिक्षा ग्रहण करें। आप विश्वविद्यालय को जो है कॉर्पोरेट हब बनाना चाहते हैं, उतना ही नहीं उनका मन उतना ही तक नहीं भरता है। जब भी हमारे बच्चों से बहुत सारे चार्ज लिया जाता है, वाईफाई के लिए चार्ज लिया जाता है, ये इंटरनेट फैसिलिटी के लिए, लाइब्रेरी फैसिलिटी के लिए, क्या लाइब्रेरी फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हैं? अभी 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 इनको थोड़ा परमिशन दिया गया है, हमेशा जो है लाइब्रेरी बंद कर दिया जाता है 7:30 बजे के बाद। विश्वविद्यालय इंश्योरेंस जो है, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। हमारा एक स्टूडेंट जो है मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण मर गया, उसके लिए जिम्मेवार वाइस चांसलर है। आप लोग कह सकते हैं कि वाइस चांसलर कैसे जिम्मेवार है? वाइस चांसलर इसलिए जिम्मेवार है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना वाइस चांसलर की जो है जिम्मेवारी है। और कोई भी बच्चा का ये अधिकार होता है, कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी का ये अधिकार होता है कि आपका मेडिकल चेकअप हो और हमेशा जो है फॉलो अप हो, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ और फाइनली जो है ही सकम टू दैट कार्डियक अरेस्ट। तो इस तरीके का और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे ये फेंट कर जाते हैं, लेकिन उनके ये पे तो कुछ जू भी नहीं रखता है। स्कॉलरशिप जो है नहीं दिया जाता है, किसी को स्कॉलरशिप मिला अभी तक? नहीं मिला, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। अभी जब इनको वहां से सीपीआई सेक्रेटरी डी राजा मिले जावेदकर जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से, नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई और उसी दिन मुलाकात हुई जिस दिन संजय पे जो हमला करवाया गया था, और उन्होंने बकायदा उनको बताया कि प्रधानमंत्री जी किस तरीके का देश आप बनाना चाहते हैं आप बताइए। और उन्होंने जो है बताया और उन्होंने वो माफी मांगा, प्रधानमंत्री जी माफी मांग रहे हैं कि हमसे जो है वहां पे गलती हुई है और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, राष्ट्रपति मानते हैं कि क्या मानते हैं अब यही जाने। और बंद कमरे में जो अलग अलग पार्टियों के विषय में जो है कुछ बात रखेंगे, तो एक अवसरवादी जो अपॉर्चुनिस्ट जो है कंपल्सिव लायर, हिटलर का पूरा ट्रेट्स जो है इस वाइस चांसलर में आपको देखने को मिल जाएगा। हमला हो रहा है, एक बार भी हमारे फैकल्टी संजय कुमार के विषय में नहीं पूछा गया कि वो कैसे हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। दुनिया के 1400 एक बार में जो है, और एक बार में है 950 सिग्नेचर्स है प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज का, अमर्त्य सेन का, अर्जुन अपदुरई है, सारे जो है चाहे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जितने भी जो है यूनिवर्सिटीज के प्रोमिनेंट जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने सिग्नेचर किया। लेकिन यहाँ का वाइस चांसलर जो हमारे गार्जियन के रूप में है, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा, और वो भी समाज शास्त्र विभाग से ताल्लुकात रखते हैं महोदय, जिस विभाग में जो है संजय फैकल्टी है। तो इसलिए भी नहीं किए क्योंकि संजय जो है इनकी विचारधारा के लिए खतरा है, संजय जो है इनकी नकाब जो मंशा है उस पे खतरा था, और इस कारण से ये कभी भी नहीं पूछेंगे कि संजय कैसे है। आज का जो टॉपिक है मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे क्यों बार बार जो है लेक्चर करने की जरूरत है, डिबेट संवाद स्थापित करने की जरूरत क्यों है। उदय प्रकाश ने एक कविता लिखी थी और उस कविता में उन्होंने बोला, मरने के बाद आदमी कुछ नहीं बोलता, मरने के बाद
आदमी कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं बोलने और सोचने से आदमी मर जाता है। तो ये हमारा जो है आज का प्रेजेंस यहाँ पे, आपका जो है सॉलिडरिटी मीटिंग में भागीदारी जो है, ये बताता है कि आप मरे नहीं है। और आप जो एक कल्चर ऑफ साइलेंस जो प्रोपगेट करने की जो कोशिश की रही है, उसके खिलाफ जो है आप खड़े हैं। चुप्पी की संस्कृति के खिलाफ जो है आप खड़े हैं, क्योंकि आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास करते हैं। अब नेल्सन मंडेला जो ऑप्रेस्ड का जो है आइकन रहे, ये ऑपरेशन के खिलाफ उनकी जो लड़ाई जो है आप सारे लोग जानते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। एजुकेशन के विषय में उन्होंने कुछ कहा और उसी कोट के साथ जो है मैं शुरू करूंगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा जो है वैसा हथियार आपको है जिसका इस्तेमाल करके जो है आप दुनिया को बदल सकते हैं, क्योंकि आप भगत सिंह का वारिस हैं, आप वारिस हैं पेरियार का, आप वारिस हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, आप वारिस जो है सावित्रीबाई फुले का, और वो लोग हैं जो रैशनलिटी की मशाल जो है हमेशा जलाए हैं, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन उन्होंने जो है एक खास से पे संघर्ष किया और उसी संघर्ष के बदौलत जो है आप यहाँ है, नहीं तो कुछ सेक्शन के लोग यहाँ पे होते ही नहीं। अगर मनु का यहाँ पे दंड मनुस्मृति का ये चलता तो ये नहीं आप यहाँ पे होते। उसके बाद इनको इनका जो करतूत है, आपको मैंने बताया था मनमोहन की कविता, लेकिन इस बार आपको जो है उस कविता नहीं पढ़ूंगा। दूसरा कविता जो है गोरख पांडे, क्रांतिकारी कवि जो गोरख पांडे है उनकी कविता से, जो यहाँ पे वाइस चांसलर अरविंद अग्रवाल की जो करतूत है उससे आपको अवगत कराता हूँ। राजा बोला रात है, तो आप कर लीजिए, अरविंद अग्रवाल बोला रात है, रानी बोली रात है, दिनेश व्यास बोला रात है, बोला रात है, संतरी बोला रात है, पवनेश बोले रात है, या सुबह सुबह की रात है। आप भी जानते हैं जो यहाँ पे चंपारण में जो प्रचारित किया जा रहा है कि ये विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। अरे शिक्षा, ये जो बोल रहे हैं, जो आपके सामने जो प्रोफेसर्स हैं, वो बेस्ट प्रोफेसर्स का अवार्ड जीत कर आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जीत कर आए हैं, पांडिचेरी से आए हैं, IIT से हैं, सब जगह से जो है बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड जीते हैं, और वो लोग आपके सामने खड़े हैं, और ये जो गुंडा वाइस चांसलर वो हमको सर्टिफिकेट देगा कि किस तरीके का हम फैकल्टी है, और बच्चे हमारे गवाह हैं, उनकी सर्टिफिकेट की हमारी जरूरत नहीं है। ऑप्रेस्ड की आवाज, चाहे कोई भी ऑप्रेस्ड, उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, और जहां भी ऑपरेशन होता है रेजिस्टेंस इनवेरिएबल हो जाता है। और उसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर, बाय द वे सर यहाँ पे हिस्ट्री डिपार्टमेंट नहीं रखा गया ताकि हमारे बच्चे बच्चियां इतिहास से अवगत नहीं हो, और इनका जो तंत्र मंत्र जो है, तंत्र जो भी इनका जो विद्या है उसको जाने और बरगला कर जो है आवाज नहीं उठाए। लेकिन हमारे बच्चे बच्चियां जो है सर बहुत संवेदनशील है और वो जानते हैं, कॉन्शियस है, वो डिबेट में विश्वास रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास रखते हैं सर, और इसलिए आपसे यहाँ पे डिबेट करने के लिए वो आए हैं। तो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी का, चाहे किसी भी तरीके का ऑप्रेस्ड हो, उनकी एक आवाज, मुकम्मल आवाज, NDTV पे आप हमेशा इनसे रूबरू हुए होंगे, प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर रतन लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्त का प्रयोग करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। जब ये चंपारण में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला था तो मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हुआ था, यह सोचकर कि कभी यहाँ पढ़ाने आऊंगा, लेकिन मृत्युंजय ने बताया कि पहले ही रास्ते बंद कर दिए, इतिहास है ही नहीं। बहरा तो नहीं है, तो मेरा एक और डिसिप्लिन है, मैं हिंदी में भी ज्यादा लिखता हूँ, मेरी ज्यादा किताबें हिंदी में।
मौलवी काशी प्रसाद जायसवाल संचयन है और चौथी आ रही है और एक किताब है मेरे सामने, इसका जिक्र बाद में करूंगा। ये समाज शास्त्र, वैसे भी जमाना जो है इंटरडिसिप्लिनरी का है, तो इतिहास कोई जरूरी नहीं है, साहित्य भी पढ़ा सकते हैं, समाज शास्त्र भी पढ़ा सकते हैं। खैर, जो हालात यहाँ से पढ़ा है हमने, देखा भी है और कई लोग यहाँ के संपर्क में है मेरे, तो जिस तरीके से हालात यहाँ बनाए गए, तो मुझे लगता है क्या मैं चंपारण में आने से डरूं क्या, मुतिहारी में आने से डरूं क्या, ये एक यक्ष प्रश्न था मेरे सामने। आपने मुझे बुलाया यहाँ अपनी बात रखने के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मोटा मोटी बात करूंगा, क्योंकि मैं मन की बात कम करता हूँ, काम की बात ज्यादा करता हूँ। तो एक तो मैं इस धरती, इस जमीन मुतिहारी चंपारण का व्यक्तिगत रूप से भी ऋणी हूँ और आपसे साझा कर रहे हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि पहली बार एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में यहाँ बात करने आया हूँ, उसके पहले एक पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम में आया। व्यक्तिगत रूप से ऋणी इसलिए हूँ कि मैं जो कुछ भी हूं अभी अपने जीवन में, उसकी एक कड़ी चंपारण ये धरती है, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा हूं, एमएस कॉलेज में पढ़ा हूं। चंदमारी आप देखते होंगे, बड़ा भोला प्रसाद सिंह बड़े यहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, एमएस कॉलेज के सामने घर है और उसी घर में रहता था और मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई यहीं से की और यहां से तब मैं दिल्ली गया था। और आई एम टॉकिंग अबाउट 1987 to 89, आज से तकरीबन 30 वर्ष पहले। और भारत में बहुत बहुलतावादी पहचान है, एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, उसमें जाति भी एक पहचान है। और मुझे कहा गया कि आज हाशिए का समाज और शिक्षा पे बोलना है, तो मैं भरी सभा में ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं दलित और मुझे इस बात का फक्र है, मेरे अंदर कोई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। मेरे कुछ पुराने दोस्त इस सभा में हैं और अब नाम बताऊंगा तो आप समझ लें कि मेरी संगति कैसे लोगों से रही है, कौन कौन लोग हैं। राजन पाठक साहब बैठे हुए हैं सामने, हाथ उठा दीजिए पाठक साहब। अभी शायद अभी संजय चला गया, मनोज चला गया, कई साथी हमारे आए थे जो हमारे साथ यहाँ पढ़े थे और सब विभिन्न जाति समुदाय के लोग, और संभवतः मैं शायद ग्रुप लीडर था उस समय पूरे ग्रुप का। और 30 साल पहले इसी चंपारण, इसी मोतिहारी में हम लोग बढ़े, लड़े, बढ़े, साथ साथ बढ़े और आज भी हमारी दोस्ती बरकरार है। जब उस समय नहीं डरा, तो अगर आप समझते हैं कि यहाँ आकर मैं डर जाऊंगा तो यह आपकी भूल है। और आपसे पहले आग्रह करने आया हूं कि देश हम सबका है, यह देश और समाज प्लूरल कल्चर को रिप्रेजेंट करता रहा है, बहुलतावादी है, तो इस तथ्य को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। पहले आपको आग्रह करता हूं, नहीं समझेंगे तो आगाह भी करूंगा, उसके बाद चुनौती भी पेश करूंगा, इसी चंपारण में चुनौती पेश करूंगा। शिक्षण संस्थान अभी क्राइसिस के दौर से है और ये चंपारण, संजय और सुनील कुमार सुमन और मैं तो खुद ही आज स्पीकर हूं और सब्जेक्ट भी हूं, मैं सब्जेक्ट भी हूं। और जब मुझे पता है कि मुझे जब तक मैं जीवित हूं न्याय के लिए संघर्ष ही करना है, तो मैं कोई फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहता, मैं इसको इंजॉय करता। तो ये घटना नहीं संकेत है सांस्थानिक दमन का, ये कैसे आप यहाँ की बात कर रहे हैं, आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखाते हैं आपको, JNU दिखाते हैं कैसे वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और डायरेक्टर काम करते हैं। तो ये एक सांस्थानिक व्यवस्था, देखिए ऐसा मिजाज, अब बात समझिए, ये पूरा एक सिस्टमैटिक, रोहित बोमला और तमाम सब सिस्टमैटिक सिस्टम है कि ये आप क्या समझ रहे हैं वाइस चांसलर साहब से मेरी सहानुभूति है, सहानुभूति आपने इतनी बातें कही लेकिन मेरी सहानुभूति है, क्योंकि पहले वाइस चांसलर बनाए जाते थे रिनाउंड प्रोफेसर्स, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी एंड द नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी, थाने और मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी में और यूनिवर्सिटी की ब्यूरोक्रेसी में अंतर होता है।
लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे जमात से मुझे संवाद स्थापित, संवाद के द्वारा ब्यूरोक्रेसी चलता है। सहानुभूति मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो राज्य का मिजाज होता है ना, संस्थानों का ही मिजाज वही होता है। जो पॉलिटिकल पावर, जो फोर्सेस जो ऑपरेटिव होती हैं, जो सत्ता होती है, न्यायपालिका का भी वही मिजाज दिखेगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का भी वही मिजाज दिखेगा, तो उसी की एक कड़ी है। तो आप हाथी को कभी पूछ पकड़ के समझे कि रस्सी जैसा है तो वो नहीं है। सीधा हाथी क्या है आप समझिए, क्या है चल रहा है। मैं पिछले 2 दशक से 21 साल पढ़ा चुका हूं और 25 साल से यही लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे मजा भी आता है। और मैं एक दो कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा हाउ आई हैव बीन एंजॉयिंग माय स्ट्रगल, नो फ्रस्ट्रेशन, नथिंग डूइंग। जब डॉक्टर अम्बेडकर को इतना लड़ना पड़ा तो हम क्या चीज है। जब पूरी एक परंपरा है गौतम बुद्ध से संघर्षों की परंपरा है, तो उस परंपरा की छोटी सी कड़ी है, फ्रस्ट्रेशन किस बात है, लड़ना है और तबियत से लड़ना। साथियों, चूंकि मुझे मार्जिनलाइज सेक्शन पे बोलना है, तो मैं समझता हूँ कि मार्जिनलाइज सेक्शन एक बहुत व्यापक है क्षेत्र है और उसमें बहुत सारे अवयव हैं। मैं उसमें जेंडर कास्ट पे लार्जली फोकस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे हम इसको देखते हैं और कैसे ये क्राइसिस बढ़ा है और एकेडमिक संस्थानों के क्या हाल है और प्रोफेसर का क्या हाल है, इंटेलेक्चुअल का क्या हाल है देश में। कुछ हम बातचीत करके यही समाप्त करते हैं और अपनी बात की शुरुआत चांदपुरी साहब के एक शेर से करते हैं और शायद वो फिट बैठ गए। लिखते हैं, अहले मस्जिद ने काफिर मुझे समझा तो क्या, अहले मस्जिद ने काफिर मुझे समझा तो क्या, साकिने दैर तो जाने हैं मुसलमान मुझे, साकिने दैर तो जाने हैं मुसलमान मुझको। मतलब अगर मस्जिद वाले लोग, मैं मस्जिद में बैठा हूं, मस्जिद वाले लोग मुझे काफिर नास्तिक एथेइस्ट समझ रहे हैं तो क्या बात, मंदिर में जो बैठे हैं वो तो मुझे मुसलमान ही समझ रहे हैं। मतलब यह जाति है कि जाति नहीं, यह जाति है कि जाति नहीं। और मैं कहूं कि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करता तो इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो इससे पड़ता है कि सत्ता और संसाधन के शीर्ष पे कौन बैठा है। भाई चांसलर और इंटरव्यू बोर्ड को बैठने वाले लोग को मेरी जाति पता है। यहां पे ऐसी अवधारणा है कि जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक वो बनी रहती है। प्रमुख पहचान ये भी है, वर्ग बदला जा सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन जातियां जाति नहीं है, वो जाति बनी रहती है। इसलिए मेरे मानने ना मानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग शीर्ष पे बैठे हैं, जिन्होंने बनाई है जाति और बनाई किसी गरीब ब्राह्मण निर्धन ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, पढ़े लिखे शिक्षित ब्राह्मण ने जाति को बनाई है। इसलिए जहां जहां शिक्षण संस्थान होंगे, जहां जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होंगे, वहां सबसे ज्यादा नृशंस विभत्स जातिवाद चलता है। और ये मेरी किताब है और कितने रोहित, मेरी पहली किताब और कितने रोहित, और रोहित मुला के पूरे संघर्ष में जितने मैंने जगह जगह बोले जाकर आज के लिखे, सबका कलेक्शन, सबका कलेक्शन। और इसमें संस्थानिक दमन कैसे होता है, खास तौर से विश्वविद्यालय, उसमें 5-6 लेख इसमें मैंने लिखे थे कि क्या ये सिर्फ छात्र की आत्महत्या है, आत्महत्या कोट अनकोट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पे एक लेख है, एक शिक्षा का ब्राह्मणीकरण पे लेख है, 40 लेख का कलेक्शन है। इसके अलावा सार्वजनिक संस्थाओं की हत्या कौन चाहता है, उच्च शिक्षण संस्थान जाति व्यवस्था के नृशंस खूंखार अड्डे हैं, ये तमाम इसमें लेख है। कैसे होती है दलितों की नाकेबंदी, ये तमाम जो हमने अनुभव किया, जीवन में देखा अनुभव किया, उन सारे लेखों का इसमें कलेक्शन मैंने निकाला है। मैं इस विश्वविद्यालय के स्टाफ एसोसिएशन और जो साथी संघर्ष कर रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं, क्योंकि पूरे देश में जो माहौल है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और वहां 10,000 टीचर्स पढ़ाते हैं, 10,000। और ये जो एक तरह की चुप्पी है शिक्षण संस्थानों में, जो डर का माहौल है, प्रोफेसर बोलने से घबराता है, हिचकता है, तो प्रोफेसर का काम क्या है फिर। मैं एम हिस्ट्री टीचर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और मैं जब पहले दिन फर्स्ट ईयर से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं 5 पॉइंट पे ही चर्चा करता हूँ, तो करीब 10 लेक्चर करता हूँ।
व्हाई व्हेन व्हाट हाउ वेयर। सबसे पहला काम सवाल खड़ा करना, इसीलिए आई हेट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, कोट एंड कोट गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपका पूरा जो नॉलेज का जो पूरा डोमेन है, जो पूरा माइंड है, वो कैसे विकसित होगा? नए सवाल पूछेंगे, नए जवाब मिलेंगे। अगर विश्वविद्यालय सिर्फ स्टेटस को स्टूडेंट पैदा करता है, यस गुड बॉय, यस सर, नो यस सर, इसका मतलब वो विश्वविद्यालय नहीं, वो मिलिट्री रिजीम है, वो जहाँ पे परेड होता है और कमांड हाई फॉलो करते हैं वो रिजीम है। विश्वविद्यालय का काम है ये ज्ञान विज्ञान और उसके सृजन के केंद्र है, और ज्ञान विज्ञान के सृजन तभी होंगे कि जब प्रश्न करने की परंपरा को, सवाल उठाने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा, तभी ये विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय। एग्जाम्पल देता हूँ, आप किताब पढ़ते होंगे सारे, ज्यादातर स्टूडेंट हमारे यहाँ पे, आप कभी कवर टू कवर आपने किताब देखी है, ऐसे पूरा पढ़ा है कि आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा है, कभी इसका प्रवेश पढ़ा है ढंग से, कभी पढ़िएगा, उसमें कहीं लिखा होता है कि ये किताब पढ़ लेने से आप आईएएस बनेंगे, उसमें कहीं लिखा होता है कि ये किताब पढ़ेंगे तो 80% मार्क्स आएगा, कहीं लिखा होता है कि आप मैनेजमेंट गुरु बनेंगे, तो फिर क्या है किताब होने का क्या मतलब? ये मतलब है कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं चलाते हैं, यूनिवर्सिटी इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हम नौकरी नहीं देने के लिए तैयार करते, हम इंटेलेक्चुअल्स तैयार करते हैं, इंटेलेक्चुअल लीडर्स तैयार करते हैं, हम वैसे लोग तैयार करते हैं जो नॉलेज के प्रोडक्शन में भागीदारी करें, तो सवाल उठाए, वो जर्नलिस्ट बने। मैं तो कई बार घूमता हूं, मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का डेफिनेशन अगर 80% टीचर बता देगा, नहीं बता पाता है, वो समझता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नौकरी का मतलब है नेट पास कर लेना और इंटरव्यू बोर्ड में जाना और जैसे तैसे नौकरी मिल गई, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के बाद एक मकान खरीदना है किस्त पर, एक गाड़ी खरीदनी है, और जिंदगी भर जो है ना पूंजी के पूरे वो चेन में जो है किस्त चुकाने में 65 साल तक चुप्पी मौन धारण किए रहना, कहीं नहीं बोले, ज्यादातर यही हाल है पूरे देश भर में, हर शनिवार रविवार देश के किसी न किसी भाग में मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग बहुत लोग छुट्टी मनाते होंगे, मेरी कोई छुट्टी नहीं, 24/7 ड्यूटी रहता है, ये काम है नहीं। विश्वविद्यालय बना है विश्व शब्द से, यूनिवर्स शब्द से, और इसका मतलब है कि यहाँ पे ये मिलिट्री रिजीम, 20 सिक्योरिटी पर्सनल, आई कार्ड चेकिंग और लोहे के दरवाजे नहीं, सारी खिड़कियां खुली होनी चाहिए विश्वविद्यालय, दुनिया की तमाम उसमें विमर्श हो, चर्चा हो, और ये है विश्वविद्यालय का। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डिसएग्रीमेंट, कि डेमोक्रेसी का मतलब, लोकशाही का मतलब ये नहीं, जमहूरियत का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब एक विचारधारा मानते हैं और एक साथ रह रहे हैं, सॉरी ये नहीं है। डेमोक्रेसी इज कि हम लोग अलग अलग विचारधारा मानते हैं फिर भी साथ बैठते हैं, हमारे जितने दोस्त हैं सब मुस्लिम, बहुत सारे लोग मेरे पोलिटिकल विचारधारा के नहीं, कोई हो सकता है राइट विंग में हो, कोई हो सकता है लेफ्ट विंग में हो, फिर भी हम लोग साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां कहां हिंसा हो? ये है काम यूनिवर्सिटी का, ये हम लोग मशीन नहीं है यहाँ पे कि कैंपस में कैंपस प्लेसमेंट सेल लगा दिए तो कसाई जो है जब बकरा खरीदने जाता है तो मोटा तगड़ा बकरा खरीदता है, कमजोर नहीं खरीदता है। तो जो प्लेसमेंट सेल लगता है तो हमारे ब्राइट स्टूडेंट को यहां से ले जाता है, मैं उसका बहुत खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ हूं, प्लेसमेंट करना आईआईटी में जाइए, आईआईएम में जाइए, यूनिवर्सिटी में नहीं। तो हमारा जब ब्राइट स्टूडेंट 20 लाख के नौकरी पे चला जाए कंपनी में तो फ्यूचर का अमर्टिसन कहां से लाएंगे, फ्यूचर का रॉ मिला था पर कहां से लाएंगे, फ्यूचर का इरफान हबीब कहां से लाएंगे? ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल को मारने की साजिश है, हमें इंटेलेक्चुअल लीडर्स पैदा करते हैं, ये है काम यूनिवर्सिटी का, ये है काम। हम लोग लार्जली वी आर इगालिटेरियन, हम टीचर हैं आप स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग साथ बैठते हैं बातचीत करते हैं, यहाँ कोई मिलिट्री रिजीम हायरार्की नहीं है आपका, ठीक है आप 10 साल 20 साल मेरे से बाद में पैदा हुए इसलिए स्टूडेंट आप हैं, 20 साल पहले पैदा हुआ तो मैं टीचर, ये काम ये समझना है। और शायद भारत के तमाम जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनको ये लगता है कि हम साहेब हो गए, साहेब तो भाई साहब
हम लोग प्रोफेसर हैं और थोड़ा कोट अनकोट व्यवस्था की नजर में बिगड़े हुए प्रोफेसर, और हम जानते हैं ये बात कि हम प्रोटोकॉल में हम किसी के अंडर में काम नहीं करते, वी आर प्रोफेशनल्स। कि मैं किसी को नमस्ते करूं या ना करूं ये मेरा चॉइस है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम क्लास लेंगे, उसके बाद हम क्या आर्टिकल लिखते हैं, कौन से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, क्या विमर्श पैदा करते हैं, ये तय करने वाले आप नहीं होंगे। ये मेरी अपनी ऑटोनॉमी है। खाली वाइस चांसलर की ऑटोनॉमी नहीं होती है, यह सारे सत्ता के हुक्मरानों को यह बात नहीं समझ में आ रही है। यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी का मतलब होता है टीचर्स स्टूडेंट की भी ऑटोनॉमी, उनके बातचीत करने की, सवाल करने की ऑटोनॉमी। साथियों, मैं दिनकर और नागार्जुन साहब की दो पंक्तियां, दो कोट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद मुझे बार बार, कई बार मैंने इस पर बात की है, और मुझे लगा है कि जो हालात शिक्षण संस्थाओं को देख रहे हैं शायद उस पर फिट बैठता है। दिनकर की डायरी, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, दिनकर साहब का नाम सुने होंगे, रामधारी सिंह दिनकर, वो लिखते हैं कि असली स्थिति यह है कि जनता चाहती है कि मनीषी ऐसा हो जो कि राजा और प्रजा दोनों को डांट सके। मनीषी मतलब इंटेलेक्चुअल्स, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले टीचर, पत्रकार, ऐसे लोग। जब तक मनीषी इस धर्म का पालन करता है तब तक जनता उसके साथ रहती है। स्वराज्य के पूर्व, आजादी के पहले तक मनीषियों का इस देश में बड़ा सम्मान था, क्योंकि मनीषी शासकों के खिलाफ आवाज उठाते। मगर अब मनीषियों का आदर बहुत कम हो गया। जो मनीषी लेखक और कवि हैं, वे कला की सेवा तो करते हैं, लेकिन समय के जलते हुए प्रश्न पर अपना विचार व्यक्त नहीं करते। स्पष्ट ही यह सुरक्षा की राह है, और जो सुरक्षा खोजता है जनता उसकी खोज नहीं करती है। हम लोग सुरक्षा की खोज में ही मारे गए। आगे दिनकर की डायरी, पेज नंबर 304। आगे, आज तो स्थिति यह है कि जिस समाज में हम जीते हैं उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है। भाई साहब समझ लीजिए, मृत्युंजय साहब, जो मैंने पहले बात कही है, घटना नहीं संकेत है, उसका प्रोपराइटर राजनीतिज्ञ है, मैनेजर अफसर है, और मनीषी मजदूर है। कुछ मनीषी अध्यापक और प्राध्यापक, कुछ लेखक, कवि और पत्रकार हैं, मगर वे हमेशा चौकन्ने और सतर्क रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसी बात मुंह से या कलम से न निकल जाए जिससे सरकार या विश्वविद्यालय के अधिकारी नाराज हों। जिस समाज के मनीषी असुरक्षा से इतने शंकित और भयभीत होंगे, उस समाज का नेता राजनीतिज्ञ ही होगा। दिनकर की डायरी, पेज नंबर 305। इसलिए मैंने सलाम पहले पेश किया कि स्टाफ एसोसिएशन के जो साथी इस आवाज को मुखर रूप से बुलंद कर रहे हैं और हम लोग जहां तहां लिख रहे हैं उनको सलाम है। ये है आज देश की स्थिति। प्रोफेसर इंटेलेक्चुअल लोग अन्याय अत्याचार के लिए खाली काम आपका क्लास में बच्चों को पढ़ाना नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स का काम है समाज बदलने का काम है। हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों खेलता है। शिक्षक के हाथ में निर्माण और प्रलय दोनों खेलता है। हम वो मनीषी मजदूर नहीं है कि जो सिर्फ सैलरी पे जीने वाले लोग हैं। हमारी सामाजिक जिम्मेदारी, हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी भी ये बात, हमें इस बात को समझना कि जो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ वोटर हैं और वोट देते हैं और आप साहब हो जाते हैं, और वैसे राजनेता भी जो इन घटनाओं पे चुप्पी साधे हुए, आपको भी हम पहचान रहे हैं, आपको भी पहचान रहे हैं कि दिस प्रॉब्लम इज अ लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये कोई अलग आइसोलेशन में नहीं, ये लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो लोग समझते हैं कि हम वोटर हैं, उनको चेताना भी चाहते हैं कि जब दुनिया के इतिहास में शिक्षक और छात्र जब सड़क पर आए हैं तो क्रांतियां हुई हैं पूरे दुनिया का इतिहास।
समय आ गया है या ये लड़ाई सिर्फ विश्वविद्यालय कैंपस की लार्जर पॉलिटिकल बैटल है, इसमें पूरे जनमानस को, सिविल सोसाइटी को, सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए स्टेक होल्डर्स खाली टीचर और स्टूडेंट नहीं है, पूरा समाज इसका स्टेक होल्डर, पूरी पॉलिटिकल सिस्टम इसका स्टेक होल्डर। वी मस्ट अप्रोच देम, उसको सेंसिटाइजेशन करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी। ये बात हमें समझ ली साथियों। अब एक बड़ा बढ़िया है नागार्जुन साहब, बाबा नागार्जुन, उन्होंने लिखा कि वो 60s